जो भी फाइनेंस कोटेशन होती है, फाइनेंस लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है ना। अभी यहाँ पर एक ट्रक से उतरी है सारी गाड़ियाँ। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, और आज हम आए हैं अपने सोमो बाइक के लिए बाइक परचेज करने, TVS की 160। और गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो फिलहाल आए हैं TVS के शोरूम नवादा में, जो जहाँ ये भाई हमें डील कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इससे पहले एक दो शोरूम में और गया था TVS के शोरूम में, मेरे को जो भी वहाँ पर फाइनेंस की जो कोटेशन दी थी उन्होंने, उसके बाद मैं यहाँ पर आया था। वो कोटेशन देकर मैंने भैया को दिखाया, क्या नाम है भैया आपका? आयुष नाम है। इन भैया का नाम आयुष है, और इन भैया को मैंने वो कोटेशन दिखाई, वो कोटेशन को बीट कराया इन्होंने सही में। उन्होंने बोला कि मेरे को आप कोई सी भी कोटेशन दिखाओगे ना, उसको मैं बीट करूँगा, और जो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो करूँगा। और सही में इन्होंने मेरे को जो बेस्ट प्लान था, फाइनेंस प्लान था, वो बताया। कहने का मतलब ये गाइस, कभी भी अगर आप कोई TVS का कोई व्हीकल परचेज कर रहे हो और नवादा में, एक बार जरूर आके विजिट करना नवादा में। TVS नवादा 740 नंबर पे एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करें। कोई भी कोटेशन होगी आपको बेस्ट टू बेस्ट डील देंगे। कोई अगर आपसे मतलब तो कुछ आपको इशू आता है कि आप फाइनेंस पे ये जा रहा है वो जा रहा है, बेसिकली मेन फाइनेंस होता है TVS के, हमारे पास और भी 3 बैंक होते हैं, अदर बैंक्स भी हैं। तो एक बार आप जरूर आइए। आप यहाँ अगर आएंगे तो आप गाड़ी लेके ही जाएंगे, ऐसा नहीं खाली आ जाएंगे। आज भैया आए, भैया को भी हमने 1.5 से 2 घंटे हुए मेरे को, और भैया ने पूरा सब चीज़ करवा दिया, पेपर और सब करवा के, बाइक भी रेडी है, हम बाइक लेके भी जाएंगे। और गाइस कहने का मतलब ये है कि यार, अभी मैं जहाँ पर गया था वहाँ से मुझे यहाँ पर 5 से 7 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, लगभग 7 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। तो ओवरऑल कुछ बहुत अच्छा खासा प्राइस है, मैं तो कहूँगा 2-3 महीने का पेट्रोल का खर्चा निकल गया मेरा यही कहूँगा। और यार दिल्ली में रह रहे तो पेट्रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर, थैंक यू। क्या नाम भैया आपको? आयुष नाम है। तो एक बार आना जरूर, डील करना, यहाँ पर बात करना, ताकि मिलते हैं। अब फटाफट बाइक की जो हमारी बाइक रेडी हुई है, फटाफट बाइक की डिलीवरी लेते हैं, चलते हैं। जो हमारे सोमू भाई हैं, जिन्हों जो मेरी वीडियो में एक दो बार आ रखे हैं, आज उसके लिए खुशखबरी ये है कि भाई ने ले ली है अपाची 160, जो उसको पसंद है, ये उसकी बाइक हो गई रेडी। और चलिए आपको दिखाता हूँ, पेपर वर्क चल रहा है अभी उसका। लौंडा खुश है, खुश है भाई, लोग हाँ बिल्कुल। पेट्रोल वेट्रोल डाल दिया, बाइक निकलेगी रेडी होके। खुश नहीं लग रहा? खुश हूँ, आप कैसे खुश हैं? बहुत खुश है। फाइनली सोमू को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं कि भाई, भाई की बाइक आ गई, कहीं ना कहीं उसको पसंद थी बहुत, और प्लान कर रहा था कुछ टाइम से, और फाइनली अचानक से प्लान हो गया, बन गया प्लान, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अच्छा फील भी मिला, लेकिन पेपर वर्क होते हैं बहुत सारे, सच में तो मज़े भी तो तू ही लेगा बाइक के। ऐसे बाइक के साथ क्या क्या चीज़ें इसमें मिल रही है, ज़्यादा नहीं, एक हेलमेट मिल रहा है, ब्लैक गार्ड वैगार्ड उसमें सब लगा ही होता है, जो भी उसके नॉर्मल साड़ी गार्ड एक्सेसरी होती है वो उसमें लगी रहती है, बाकी हेलमेट एक मिल रहा है। और भी उन्होंने ले थोड़ा तो भाई अभी बारिश हो रही है, यहाँ पर बाइक रेडी हो गई है, और अब हमारे पेपर और भी पूरे हो गए, अब हम जा रहे हैं घर पे। और पार्टी कब देगा ये बता, अभी कर लें, क्या दिक्कत है? चलो फिर अभी पहले फटाफट पार्टी करते हैं, ठीक है गाइस। क्या बोलती पब्लिक? The next day, the next day.